हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं मसाला आलू चाट। दोस्तों, इस रेसिपी को हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं घर के चीज़ों से। दोस्तों, इस आलू चाट को हम स्कूल के लाइफ में, स्कूल के बाहर जो ठेले वाले होते हैं उनके पास खाया करते थे और ये हमें बहुत ही स्वादिष्ट लगती थी। तो दोस्तों, इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया है इमली और हमें इसके पल्प निकलने हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ पर थोड़ी सी पानी डाल देना है और इसे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है भीगने के लिए। उसके बाद हम आलू बॉईल किए हुए यूज़ करेंगे। दोस्तों, आलू को आपको पहले ही उबाल के रखना है और हमने यहाँ पर दो आलू लिया है। दोस्तों, आलू का क्वांटिटी आप बढ़ा घटा भी सकते हैं। दोस्तों, ये आलू जो जब हम खाते थे एक आलू का 2 रुपया लेता था और हमने यहाँ पर 2 आलू लिए हैं। दोस्तों, अगर आप ज़्यादा आदमी खाने वाले हैं तो आलू का क्वांटिटी बढ़ा दें और इसे अच्छी तरह से छील के रख देंगे। दोस्तों, आलू को हमने अच्छे से छील लिया है। उसके बाद हमें आलू को स्लाइस में काटना है। दोस्तों, ध्यान रखिए आलू हमारे अच्छे से पके हुए हैं तो हम इन्हें धीरे से कट करेंगे ताकि ये ज़्यादा ना टूटे, क्योंकि ये टूट भी जाते हैं। दोस्तों, पके आलू है तो टूटना तो बनता ही है, तो इसलिए ध्यान से इसे आप कट करें। दोस्तों, हमने दोनों आलू को अच्छी तरह से स्लाइस में कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, कुछ आलू अगर टूट भी जाए तो कोई बात नहीं। दोस्तों, यहाँ पर हम मसाले तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने लिया है जीरा, सौंफ और धनिया के बीज। दोस्तों, इन सबको हम हल्के से रोस्ट करेंगे। दोस्तों, इनमें हमें हल्की सी गरम लाना है, इसे हमें जलाना बिल्कुल भी नहीं है। इसका कलर भी हमें चेंज नहीं करना है। दोस्तों, इन तीन चीज़ों के मसालों से हमारे आलू चाट बहुत ही स्वादिष्ट लगने वाले हैं। दोस्तों, हमने इसे चेक कर लिया है, ये गरम हो गए हैं, तो यहाँ पर हम उतार के इसे पाउडर बना देते हैं। दोस्तों, इधर हमारा इमली भी अच्छे से नरम हो गए हैं तो इसका पल्प हम निकाल लेते हैं और गुठलियों को हम फेंक देंगे। उसके बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। दोस्तों, जो मसाले हमने पीस लिए हैं उन्हें हम आधा चम्मच इसमें डाल देंगे। दोस्तों, मसाले हमने ज़्यादा क्वांटिटी में बना लिया है क्योंकि आप इस चाट मसाले को कभी भी किसी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लाल मिर्च पाउडर डाले हैं आधा छोटी चम्मच तीखे के अनुसार और बीट लवन यहाँ पे हम आधा छोटी चम्मच डालेंगे। और अगर आप नमक ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी ज़्यादा नमक भी डाल सकते हैं। और इन सबको हमने चम्मच की सहायता से अच्छे से मिला दिया है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन का घंटी दबाना ना भूलें। दोस्तों, अंत में अगर आप चाहें तो यहाँ पर प्याज, कच्ची प्याज का यूज़ किया है हमने, आप उन्हें डाल दें। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और हरे मिर्च अगर डालना चाहे तो उसे भी आप डाल दें, लेकिन यहाँ पर मैं तीखा ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ तो इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। दोस्तों, यहाँ पर हमने जो स्लाइस किए हुए आलू लिए हैं उनके ऊपर अच्छे से लगा देंगे और सारे मसालों को इसके ऊपर डाल देंगे। उसके बाद हम इसे इस तरह उठा के उछल कूद करेंगे, क्योंकि हम अगर इसमें चम्मच या हाथ लगाएंगे तो ये आलू टूटने के चांसेस रहते हैं। दोस्तों, इसलिए हमें इसे उछाल लेना है। और आप देख सकते हैं हमारे मसाले आलू बनके रेडी है। दोस्तों, इस रेसिपी को अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर से लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, इस मसाले आलू की चाट आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें क्योंकि ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।